स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि थीटा अप्रोच टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा वन कैसे होता है, या थीटा अप्रोच जीरो थीटा अपॉन साइन थीटा वन कैसे होता है, या थीटा अप्रोच जीरो टेन थीटा अपॉन थीटा वन कैसे होता है, ठीक है, या थीटा अप्रोच जीरो थीटा अपॉन टेन थीटा वन कैसे आता है। इनकी एप्लीकेशन हमने बहुत करी है, इस फॉर्मूले को हमने बार बार यूज़ किया है, लेकिन आज हम इस बात को प्रूव करेंगे। लेकिन प्रूव करने से पहले थोड़ी छोटी छोटी बातों को थोड़ा समझना होगा। नंबर एक, तो आपको यह समझना होगा कि जब थीटा अप्रोच टू जीरो है तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वन आती है, क्यों? थीटा अप्रोच जीरो है तो थीटा जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो कितना होता है, वन आता है। दूसरी बात थोड़ा इनक्लूटिव में आपको यह समझनी है कि थीटा जो है या कोई भी नंबर एक्स कोई नंबर है जो वन से ग्रेटर है और एक्स वन से लेस भी है, इस बात का मतलब यह माना जाएगा इनक्लूडिंग में कि एक्स जो है वन के इक्वल है, ठीक है। यदि एक्स वन से ग्रेटर भी है और एक्स वन से लेस भी है, इसका मतलब है एक्स जो है वन है, ठीक है, ये बात एप्लीकेबल होगी। इन दोनों बातों की एप्लीकेशन कुछ थोड़ा सा इस प्रूव करने में काम आएगी। अब जरा देखिए इस बात को कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए आप ये देखें कि एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी इसका जो एरिया निकालें, ये एरिया जो है लेस होगा एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर ओ ए सी। देखिए ओ ए सी में तो ये ट्राइंगल में ये साइड एप्लीकेबल हुई और सेक्टर में ओ ए सी ये आर्क लगा, तो ये एरिया जो है एक्स्ट्रा हुआ ट्राइंगल से, तो कहने का मतलब सेक्टर का एरिया बड़ा होगा, ठीक है। दूसरी बात है कि ये सेक्टर का एरिया लेस होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी से, ओ ए बी से, ओ ए बी, ये टेंजेंट है ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री है और यहां पर क्या है, हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, राइट। तो ये टेंजेंट ट्राइंगल बनेगा, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, इसका मतलब है सेक्टर के एरिया से बाहर वाला ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ये तीनों बातें प्रॉब्लम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। अब इनके सबके एक एक करके एरिया निकालें। यदि मैं इसका एरिया निकालूं तो इसका एरिया आएगा हाफ ओ ए इंटू ओ सी डी, ठीक है, ओ ए इंटू सी डी, मतलब बेस इसको ले लें परपेंडिकुलर ले लें तो एरिया निकल जाएगा इसका, एरिया एरिया ऑफ सेक्टर। मान लेता हूं यदि एंगल थीटा है, मान लेता हूं ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन टू पाई, थीटा अपॉन टू पाई, रेडियन में ले रहा हूं, थीटा अपॉन 360 लेते हो, मतलब थीटा अपॉन टू पाई में 360, थीटा अपॉन टू पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आप कह सकते हो ओ ए स्क्वायर, इतना आ जाएगा, ठीक है, राइट। और इसका एरिया लेस होगा इस ट्राइंगल का हाफ ओ ए इंटू ए बी, आप समझ गए तीनों कंडीशन में कि तीनों के एरिया कैसे निकले हैं। देखिए सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 में रेडियन में ले लिया है, थीटा अपॉन टू पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आर है ओ ए, ठीक, इसका एरिया आ गया। ट्राइंगल का एरिया निकाला मैंने तो क्या लिखा, ओ ए ओवर सी डी लिखा, इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला तो ओ ए इंटू ए बी लिखा हाफ, राइट। देखिए हाफ हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, आप इस पूरे को डिवाइड कर सकते हो, किससे डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर दो ओ ए अपॉन टू से, तो ओ ए अपॉन टू से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम पर खाली सी डी बचेगा, सी डी लेस देन, ठीक है, ओ ए अपॉन हाफ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, थीटा इंटू ओ ए, एक ओ ए तो कैंसिल हो जाएगा, एक ओ ए बचेगा, हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां पर थीटा बचेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेस यहां पर ओ ए अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा और खाली क्या बचेगा, ए भी बचेगा, इतना आ गया। अब आप ऐसा करें, इस पूरे नंबर को आप ओ ए से डिवाइड कर दें, सबको ओ ए से डिवाइड करेंगे तो सी डी ओवर ओ ए आ जाएगा, लेस देन थीटा हो जाएगा, लेस देन ए बी ओवर ओ ए आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब तुम चाहो तो इस ओ ए की जगह पर, इस ओ ए की जगह पर आप ओ सी पुट कर सकते हो, तो सी डी ओवर ओ सी
लेस थीटा लेस ए बी ओवर ओ ए, इसको ए बी ओवर ओ ई रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी तरह से बता रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात को नहीं कर रहा हूँ। ये तीनों ट्रायंगल के एरिया को मैंने इक्वेट कराया कि कौन सा ट्रायंगल का एरिया बड़ा है और कौन से ट्रायंगल का एरिया छोटा है, कौन सा सेक्टर बड़ा है, ठीक है, इसको सॉल्व करा है, उसके बाद इनको लिखा है और इसमें से ओ ए अपॉन टू से डिवाइड कर दिया है सबको, तो ये आ गया, उसके बाद फिर मैंने ओ ए से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, इस ओ ए की जगह पर मैंने ओ सी रख लिया है। अब मैं जरा देखूंगा सी डी ओवर ओ सी क्या बनना है, सी डी अपॉन ओ सी क्या बनना है, ये यदि थीटा मैंने लिया जाए तो परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेनस से आएगा, तो ये बनेगा साइन थीटा, क्या बनेगा साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन, ये ए बी अपॉन ओ ए क्या बनना है, ए बी अपॉन ओ ए, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो देयर इज टेन थीटा, ये आ गया, बात समझ आ गई ना, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब ऐसा करो इसको साइन थीटा से डिवाइड कर दो, जब वन आएगा वन लेस देन थीटा अपन कितना आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, लेस देन कितना हो जाएगा, ध्यान रखिए टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वन लेस देन थीटा अपॉन साइन थीटा इज लेस देन वन अपॉन कॉस थीटा। स्टूडेंट इसको आप चेंज कर सकते हो, या चेंज करेंगे उल्टा करेंगे इसका तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिए इसका उल्टा कॉस हो जाएगा, तो कॉस इधर आ जाएगा, कॉस थीटा लेस देन साइन थीटा अपॉन थीटा इज लेस देन वन का उल्टा वन करेंगे तो वन ही आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, ये पहले आएगा ध्यान रखिएगा, राइट। इस कंडीशन में आप करो थीटा अप्रोच टू जीरो कॉस थीटा लेस देन थीटा अप्रोच टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा और लेस देन थीटा अप्रोच टू जीरो वन, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये मैंने आपको बताया वन इज लेस देन थीटा अप्रोच टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इज लेस देन वन, तो आप क्या कहोगे कि ये जो चीज है किसके बराबर है, वन के बराबर है, तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि थीटा अप्रोच टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा जो है वो कितना आएगा, वन आएगा, बात क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं था, ठीक है। यदि आप यहां पर भी थीटा अप्रोच जीरो लगा देते तो भी बना जाता, तो थीटा अपॉन साइन थीटा भी कितना आएगा, वन के बराबर आएगा, ये बात भी आप प्रूव कर सकते थे। आपने यहां पर किससे डिवाइड किया था, इसको साइन से डिवाइड किया था, एक बार ऐसा कर लो टेन से डिवाइड कर लो, तो थीटा अपॉन टेन थीटा आ जाएगा, उसे सॉल्व करेंगे तो बना आ जाएगा। मैं समझता हूँ बात बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पर साइन से डिवाइड किया तो साइन वाला रिजल्ट आएगा, टेन से डिवाइड करोगे तो टेन वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे कहानी यहाँ पर थी, हमने यहाँ पर तीन जो एरिया थे उनको कंपेयर करा था कि कौन सा एरिया बड़ा आएगा, कौन सा एरिया छोटा आएगा और वो एरिया कैसे लिखे जाएंगे, उन एरिया को हमने अच्छी तरह से लिखा, फिर उस चीज़ को हमने सॉल्व करा, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया, बात क्लियर है ना। इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, जरूर देखने की कोशिश करें, अपना ख्याल रखें और खुश रहें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।